ये ठंडी शरबतों की एक शाम थी और डेनियल घर में अकेला था। उसके माता पिता बाहर गए थे और घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। हवा बाहर जोर से चल रही थी और घर के पीछे के जंगल से आती दूर की आवाजें इस बार ज्यादा डरावनी लग रही थी। अचानक उसे कुछ सुनाई दिया, एक हल्की सी आवाज। उसने टीवी बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगा, मत कोई मदद करो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज जंगल से आ रही थी, वो कमजोर और दूर से लग रही थी। उसके मन का तर्कस्थित हिस्सा उसे जाने से रोक रहा था, लेकिन आवाज बार बार दर्द भरी और बेचैन लग रही थी। डेनियल ने टॉर्च उठाई और पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। ठंडी हवा ने उसे छुआ और जंगल अंधेरे में डरा हुआ खड़ा था। फिर से आवाज आई, इस बार और पास से, कृपया मेरी मदद करो। जंगल में एक एक कदम रखते हुए आवाज अब और साफ हो रही थी, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आवाज की टोन बदल गई, जो आवाज पहले कमजोर और डरी हुई लग रही थी, अब वो बहुत शांत और अजीब हो गई थी। डेनियल, और करीब आओ। अब आवाज उसका नाम जानने लगी थी। उसका खून ठंडा पड़ गया। ये मेरे नाम को कैसे जान सकती है? उसने डरते हुए अपने कदम रोक दिए। उसके मन में घबराहट बढ़ने लगी थी। वो वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन आवाज जो बेहद अजीब और खेलती हुई लग रही थी, उसे पुकारती रही। डरो मत। अब वो घबराहट से पीछे हटने लगा। पेड़ उसके चारों ओर जैसे गिरते जा रहे थे। वो पहले की कोमल फुसफुसाहट अब तेज और लगभग उपहास भरी हो गई थी। डेनियल, वापस आ। उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। आवाज अब दूर नहीं रही, वो उसके ठीक पीछे थी। उसने जल्दी से मुड़कर टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस सन्नाटा और हवा। तभी आवाज एक बार फिर बदली, गहरी और खौफनाक। अब वो इंसान की नहीं रही। तुम्हें जंगल में नहीं आना चाहिए था। डेनियल का दिल बुरी तरह धड़कने लगा और वो घर की ओर दौड़ पड़ा। आवाज अब चारों ओर गूंज रही थी, हर कदम के साथ करीब आती जा रही थी। वो घर के अंदर भागा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हांफता हुआ, डरा हुआ, जंगल एकदम शांत हो गया था। उसने दरवाजे को लॉक किया, धीरे धीरे पीछे हटने लगा। घर में खामोशी छा गई थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके कदम थम गए। अंधेरी गलियारे से वही आवाज फुसफुसाई, तुम कभी जंगल से बाहर नहीं निकले डेनियल। और फिर सारी बत्तियां गुल हो गई। कविताओं की संग्रह का आनंद लेने के लिए एक बार अवश्य देखें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी दिलचस्प कहानियों और कविताओं की दुनिया में प्रवेश करें। कृपया मेरे वीडियो को लाइक